अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब आज? तो ना ही आज है फ्राइडे ना सैटरडे, आज है संडे और आरएस का यहाँ स्कूल स्टार्ट हो गया है। सारे लोग जा रहे हैं ओ स्कूल ऑफिसेज, और अब कोई घूमने की वीडियो नहीं मिलेगी। आप वेट करिए घूमने की वीडियो के लिए नेक्स्ट फ्राइडे तक। अब बस तो किचन और खाना और स्कूल और सफाई बस। हाँ जी, तो रोज़ हम बनाते हैं कुछ नमकीन, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना आज मैं आपको दिखा दूँ कोई मीठा जो झटपट बनता हो। तो आज हम लोग बनाते हैं मीठा जिसका नाम है बसभूसा। जी हाँ, बसभूसा। और ये मिडिल ईस्ट में जो है ये बहुत ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है मिडिल ईस्ट में। तो उसके लिए जो है इंग्रेडिएंट्स मैं बता रही हूँ आपको। एक मेजरिंग कप, जो मैंने आपसे कहा था मेजरिंग कप ले लीजिए, उससे बहुत सही नाप लेंगे अगर तो बहुत सही उतरता है मीठा, ऊपर नीचे कम ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो एक कप, ये एक कप हर चीज़ में, मैं इस डिश में एक कप से ही सब यूज़ करूँगी। तो ये है 1 कप मिल्क पाउडर, और ये मिल्क पाउडर है तो नीडो के डब्बे में, लेकिन ये नीडो का नहीं है क्योंकि नीडो के साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है। तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ एंकर का, आपको तो उल्टा दिख रहा होगा, ये एंकर का है तो ये वाला बहुत तो अच्छा रहता है। तो मिल्क पाउडर हम लोग लेंगे 1 कप फुल, ठीक है। उसके बाद हम लोग लेंगे शुगर, शुगर भी लेंगे 1 कप, ठीक है। ये हो गई शुगर, शुगर के बाद इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है ना वो ये है सेमोलिना, सूजी। और सूजी हम लोग लेंगे, ये डबल पड़ती है तो ये 2 कप लेंगे हम, ठीक है। ये 1 कप हो गया और ये हो गया 2 कप। और मैं कौन सी सूजी यूज़ करती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाली अल बेकर की रोस्टेड सेमोलिना, ये रोस्टेड है, ये वाली सबसे बेस्ट होती है। तो ये हो गया, और अब ये जो 1 टेबलस्पून है इससे हम लोग लेंगे बेकिंग पाउडर, और वो भी 1 चम्मच फुल, 1 टेबलस्पून फुल, ओके। तो ये हो गया, इसके बाद इसमें पड़ेगा ऑयल, ऑयल भी 1 कप पड़ेगा। टेंशन मत लीजिए, सारा आपके पेट में नहीं जाने वाला है, मिल बांट के खाइएगा। तो पहले जो ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स है ना इसको मिक्स कर दीजिए, और उसके बाद तब ये ऑयल डालिएगा, तो उससे जो है अच्छी तरह से वो मिक्स हो जाएगा और लम्स नहीं पड़ेंगे। और जब तक मैंने ओवन को प्री हीट करने के लिए रख दी हूँ, 180 डिग्री पे प्री हीट करने के लिए रख दी हूँ। तो ये मिक्स हो चुका है, और इसमें अब ऑयल जाएगा, ठीक है। ऑयल के बाद एक चीज और इसमें पड़ेगी, वो है नेस्ले की क्रीम, ये मैं 2 डब्बे डालूंगी। तो चलिए डालते हैं नेस्ले की क्रीम। तो देखिए मैंने 2 डब्बा क्रीम डाल के इसको मिक्स कर दी हूं अच्छी तरह, और जब आप मिक्स करिएगा ना तो इसको बीटर से मिक्स करिएगा तो वो अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। मैं तो बसभूसा बना बना के इतनी प्रो हो चुकी हूँ कि जो है आंख बंद करके भी मैं बना सकती हूँ। तो मैंने जो है स्पैचुला से ही मिक्स कर दी हूँ और इसको मैं लेवल कर रही हूँ। असल में मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है मीठा, मतलब मीठा बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसमें शक्कर, लेकिन स्वीटनेस उसकी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये है कि मीठा उन्हें खाना बहुत पसंद है, और अगर 3 टाइम दें तो वो 3 टाइम खाएंगे। तो इसलिए जो है मैं अक्सर कुछ ना कुछ मीठा मेरे घर में जब भी कोई आए, बहुत कमी ऐसा होगा कि कभी आपको मीठा नहीं मिले, और बेसिकली हरदम मैं बना के ही रखी रहती हूँ। और ऐसा नहीं कि रोज़ बनाती हूँ, एक मीठा बनाती हूँ तो 3-4 दिन आराम से वो चल जाए, इस टाइप का ही मीठा बनाती हूँ। क्योंकि
और भी दूसरे सारे काम होते हैं। तो देखिए मैंने इसको लेवल कर दी हूँ अच्छी तरह से, ठीक है। अब ओवन भी प्री हीट हो चुका है और इसको मैं डाल दूंगी ओवन में 180 डिग्री पे 45-50 मिनट्स के लिए डालूंगी, लेकिन बीच बीच में मैं चेक करती रहती हूँ। ओवन हमारा यहाँ ऊपर रखा हुआ है तो इसके अंदर मैं डाल देती हूँ इसको, संभाल के, बहुत गर्म है। एक बार मैं जल गई थी बहुत बुरी तरह से, और ये तो ऊपर नीचे का दोनों जलाएं 180 डिग्री पे उसको रखें, और इसको मैंने 40 मिनट्स पे सेट की हूँ, ठीक है। थोड़ी थोड़ी देर से देखते रहेंगे और जब हो जाएगा तो मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए ये बिल्कुल बेक होके रेडी है, ये बहुत गर्म है और ये एकदम रेडी हो गया है, तो इसको हम लोग काट देते हैं पहले। अच्छा, गर्म ही गर्म में इसको काटना है और फौरन इसके ऊपर जो है कंडेंस मिल्क डालना है, ठंडा होके नहीं डालना है, नहीं तो फिर वो जो है अंदर तक जाएगा नहीं, वो जज्ब नहीं होगा। और जो ट्रेडिशनल जो बनता है ना बसबूसा, उसके अंदर कंडेंस मिल्क नहीं पड़ता है, उन लोग जो है उस पर शुगर सिरप जो होती है ना वो डालते हैं लोग। लेकिन जो है आप ये वाला कभी ट्राई करके देखिएगा, नहीं आपने जो है मेरे चैनल को 50 बार सब्सक्राइब करने के लिए शेयर किया तो मेरा नाम बदल लीजिए, इतना ज़बरदस्त बनता है ये। तो ठीक है, मैंने इसको काट दी हूँ और अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क डाल के और इसको छोड़ दीजिए आधा घंटा, ये जितना कंडेंस मिल्क है ना ये पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा और ऊपर जो है का ऊपर का सिर्फ जो है गोल्डन सरफेस दिखेगा आपको, ये सब अभी अंदर चले जाएगा। टेंशन मत लीजिए, थोड़ी सी डाइटिंग कर लीजिएगा और क्या। ये देखिए दिख रहा है ना, तो अब ये रेडी हो जाता है तो मैं आपको इसकी फ़ोटो दिखाऊंगी। ये देखिए ये बिल्कुल रेडी हो गया है और कंडेंस मिल्क सोक कर गई है और अब ये एकदम गोल्डन जो है कलर का हो गया है। अभी भी ये बहुत गर्म है, इसको जो है गार्निश ना ऐसे किया जाता है, इसके ऊपर बादाम जो है वो इसके ऊपर इस तरह लगाया जाता है। लेकिन जो है मेरे बच्चे वो ये सब उठा उठा के ना ऐसे करके फेंक देते हैं, तो जो है बस दूसरों के घर जो बादाम मिलेगा ना वो लूट लूट के खाएंगे, मगर अपने घर का बादाम फेंक देते हैं। तो बहरहाल, तो इसलिए मैं ये नहीं लगाती हूँ और हम लोग ऐसे ही खाते हैं। लेकिन जो ट्रेडिशनली जो बसबूसा मिलता है उसके ऊपर इसी तरह बादाम चिपका रहता है। मैं आपको जो है एक क्लोजअप दिखाती हूँ, ये देखिए। तो आरिज आ गया है स्कूल से और आते ही सबसे पहले उसने पूछा कि मेरा बस कहाँ है, जो मैंने केयरफोर से लिया था, तो यहाँ है उसका बस, मैंने यहाँ लगा के रखी थी, मैंने सोचा आएगा तो पहले उसको दिखाऊंगी। तो कल बस का मुझे जो है वो तो नहीं मिला था, सेम ट्रेन मिल गई थी मुझे, ट्रेन तो ये ले लिया था मैंने, और ये इसके ऊपर अंदर मैंने रखी हूँ सॉक्स। और यहाँ अभी तो सिर्फ आरिज के हैं, सबके सॉक्स इसमें रखूंगी। हमारा ऊपर नीचे का यस और क्रोकोडाइल सॉक्स भी इसके अंदर है, और इसके ऊपर आरिज बैठ भी सकता है। यस, हमारा घर ऊपर नीचे का है तो सब अक्सर जो है ऊपर से आते हैं, सॉक्स भूल जाते हैं ऊपर, तो मैंने सोचा क्यों ना सॉक्स नीचे ही रखूं। और आरिज को मिला है आज यूनिफॉर्म मिला है आरिज को। आरिज लेट्स ट्राई दिस, मतलब इसका उतारो। आज टिफिन फिनिश करके आए हो? ओके, अब कल से आरिज को, हाँ, आरिज के स्कूल में जो है नीचे से पैंट जो है उसको अपनी खुद ही पहननी है, ट्राउजर लोअर खुद पहनना है, सिर्फ शर्ट उसको उसकी स्कूल की है। एंड आई थिंक खड़े हो जाओ आरिज, आई थिंक बड़ा है थोड़ा, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। ये तो बड़ी लंबी लग रही है। ये तो कितनी लंबी है आरिज, तुम अगर इसको इन करके पहनोगे तब ठीक रहेगी। और ये जॉर्ज की है, नहीं आरिज की है। खाना खा लेते हैं, मुझे आरिज को सुलाना भी है। नाउ शो मी कैट, यू नो शो मी वेयर इज कैट, यस, नाउ वेयर इज कैंगरू, I don't know. You know. Yes. Now, where is zebra? I don't know. You know.
show me. Yeah. No, no. You don't know zebra? Zebra. Ye zebra? This is giraffe.